A special mention about this memento is this beautiful portrait of Madam President, is created by Sri Pradeep Chandra Vagule, IFS of 2009 batch, born on a good cadre. Thank you very much for accepting graciously the memento. Now I request our director IGNFA to present a memento to our guest of honor, Honorable Governor Lieutenant General Gurmit Singh, as a token of our appreciation for gracing the occasion. This is another creation by our talented lady officer, Srimati Piyusha Pramod Jagtap of 2014 batch, born on Maharashtra cadre. Now, I request the Controller of Examination, Dr. M. Sudhakar, to announce the results and awards. Thank you, Dr. Shivabala. Honorable President of India, Honorable Governor of Uttarakhand, respected dignitaries seated on the dais, members of this August Assembly, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It's my privilege as the Controller of Examinations to announce the results of 54th Professional Training. Yeah, officer, na keval unhe sangharsh aur samarpan ki disha mein ek nayi uchai prapt karne ka avsar deta hai, balki yeh unke anubhavon, विचारों और योगदान को राष्ट्र की सेवा में रूपांतरित करने का भी अवसर प्रदान करता है। हमारा राज्य उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जो इसे प्राकृतिक सौंदर्य की एक अतुलनीय धरोहर प्रदान करता है। उत्तराखंड अपनी समृद्ध और विविध वन संपदा के लिए जाना जाता है। हमारे राज्य की प्रमुख संपत्ति इसके वन है, जो बहुत समृद्ध जैव विविधता का घर है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड जड़ी बूटियों और सुगंधित पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। उत्तराखंड के आम जनमानस वनों को देवतुल्य स्थान देते हुए इन्हें पूजते हैं। वास्तव में वन संरक्षण के मामले में हमारा राज्य देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल है। भारतीय वन सेवा एक अत्यंत सम्मानित सेवा है, जिसके साथ राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परंपरा जुड़ी है। पश्चिमी घाट के घने जंगलों से लेकर विशाल हिमालय तक, सुंदरबन के मैंग्रोव क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के मरुभूमि तक, आप अनेक विविधतापूर्ण स्थानों पर अपनी सेवाएं देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि IGNFA में आपके प्रशिक्षण के दौरान आपको उस ज्ञान, कौशल और मूल्यों से परिपूर्ण किया है, जिसके बल पर आप प्रत्येक परिस्थिति में हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इस यात्रा में आने वाली कठिन चुनौतियों का सामना भी आपको अपनी क्षमताओं के साथ करना होगा।